राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष 12 जनवरी को भारत में पूरे उत्साह और खुशी के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसे आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को याद रखने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाने के लिए वर्ष 1984 में भारतीय सरकार द्वारा इसे पहली बार घोषित किया गया था। तब से 1985 से पूरे देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसे मनाने की शुरुआत हुई। 12 जनवरी को पूरे भारत भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा इतिहास की बात करते हैं तो यह सार्वजनिक है कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के लिए भारतीय सरकार ने घोषित किया गया था। स्वामी विवेकानंद का दर्शन और उनके आदर्श की ओर देश के सभी युवाओं को प्रेरित करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा यह फैसला किया गया था। स्वामी विवेकानंद के विचारों और जीवन शैली के द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करने के द्वारा देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाने का फैसला लिया गया था। इसे मनाने का मुख्य लक्ष्य भारत के युवाओं के बीच स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों के महत्व को फैलाना है। भारत को विकसित देश बनाने के लिए उनके बड़े प्रयासों के साथ ही युवाओं के ऊर्जा को जागरूकता करने के लिए यह बहुत अच्छा तरीका है। राष्ट्रीय युवा दिवस उत्सव। वर्ष 1863 में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस हर वर्ष राष्ट्रीय कृष्णा मिशन के केंद्रों पर रामकृष्णा मठ और उनकी कई शाखा केंद्रों पर भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर कौन सी गतिविधियाँ होती हैं? खेल, सेमिनार, निबंध लेख के लिए प्रतियोगिताएं, पुरस्कृत, योगासन सम्मेलन, गायकन, संगीत, स्वामी विवेकानंद पर भाषण आदि द्वारा सभी स्कूल कॉलेज में युवाओं के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारतीय युवाओं को प्रेरित करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा स्वामी विवेकानंद के विचारों से संबंधित व्याख्यान और लेख भी कराए जाते हैं। तो ऐसे ही मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये थी SM News की रिपोर्ट।